Good evening to all of you and welcome. In today's class, I am going to explain previous year question paper of MTS examination and it is set 11 today. I have already explained 10 sets taken from Ajay Kumar Singh's book and now it is set 11 that I am going to explain and question number 1 is on your screen and it is Rohan suggested to his sisters that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. यहाँ ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट रूल, दो इम्पॉर्टेंट रूल एक साथ, तीन 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 ग्रामर के महत्वपूर्ण रूल यहाँ काम कर रहे हैं. सबसे पहली बात कि जब हम सजेस्ट और प्रोपोज के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो टू का यूज करके ही हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. ऐसा कभी ना करें कि ही सजेस्टेड मी लिख दें, आप ही प्रोपोज्ड मी लिख दें, गलत. टू लगा करके ही आप ऑब्जेक्ट लिखें, यानी यह इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद करना चाहिए मैंने यहां बताया. इसके बाद अगर दैट आ रहा है तो जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद सुड ही आएगा और यहां अब एक शब्द बढ़ भी जाएगा, वो रेकमेंड है. रेकमेंड के बाद भी सुड ही आता है, रेकमेंड के बाद भी शुड ही आता है. अब तीसरा इंपॉर्टेंट रूल आप देखें, यहां शुड है, यानी यहां तक यह सेंटेंस बिल्कुल सही है. अब आगे गो टू द स्कूल, आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है कि यदि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, टेंपल, मॉस्क, ईटीसी का विजिट उनके कार्यों के लिए, उनके मौलिक कार्यों के लिए किया गया हो तो आर्टिकल का यूज न करें. अन्य कार्यों के संदर्भ में किया गया हो तो द का यूज अवश्य करें. तो यहां स्कूल जाने की बात हो रही है, रेगुलरली होमवर्क को करने की बात हो रही है, सिंसियरली होमवर्क को करने की बात हो रही है, यानी एज ए स्टूडेंट स्कूल जाना है, तो आंसर भी होगा यहां से द को रिमूव करना होगा. कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंतर्गत इतने सारे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सीख लिए. आइए आगे बढ़ते हैं, आंसर बी होगा. क्वेश्चन नंबर 2, योर सिस्टर्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड सी वॉन्ट्स यू टू सी हर एज सुन एज पॉसिबल. आंसर ए होगा. ग्रामर का रूल हमें सिखाता है कि अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड एट द लास्ट वर्ड ऑफ ए कंपाउंड नाउन. किसी भी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो यह पार्ट गलत है. सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है तो हम सिस्टर इन लॉ लिख करके अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, यानी टू का आंसर ए होगा. ला में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, सिस्टर में नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 फिलर है. महात्मा गांधी इज लाइफ डैश सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स ऑफ द सेंचुरी. महात्मा गांधी का जीवन उस शताब्दी के महत्वपूर्ण घटनाओं को डैश करता है. अब ओवर कम तो नहीं होगा क्योंकि बात पास्ट की है और ओवर कम प्रेजेंट फॉर्म में है. ओवर कम मीन्स होता है विजय पाना, काबू कर लेना किसी चीज के ऊपर, खास तौर पर अपने अंदर कोई कमी है, खामी है, गलती है, उस पर विजय पा लिए, यानी उस गलती से आप आगे निकल गए, ऊपर बढ़ गए, वहां आप ओवरकम कर लेते हैं. दूसरा, अगर कोई शॉक लगा है, सदमा लगा है, उसे आदमी बाहर निकल गया, वहां भी ओवरकम का यूज करते हैं. ओवरकम मीन्स काबू करना, विजय पाना, सबजुगेट, विन और कंक्वेर इसका सिनोनिम होता है. सबजुगेट, विन और कंक्वेर. इंक्लूड शामिल करना, V1 का अर्थ लिख रहा हूं, ऐसे यहां V2 V3 है. स्पेंड यहां मैं न लिख के लिखूं, के समय में
होना। स्पैन शब्द दो काम करता है, स्पैन नाउन भी है, स्पैन वर्ब भी है। नाउन के रूप में स्पैन का अर्थ होता है अवधि, और ये जो बीता हम लोग यूज करते हैं ना, बीता, अब ये हिंदी है भोजपुरी है मैं नहीं जानता, मैं लिख दे रहा हूं, इस बीता को भी, एक बीता वन स्पैन, स्पैन यानी काल या समय के अंदर आना। र्यूमर वर्ब के रूप में है इसलिए लिखूंगा अफवाह फैलाना, यह नाउन का भी काम करता है अफवाह। तो महात्मा गांधी का जीवन जो था वो उस सेंचुरी के बड़े बड़े घटनाओं को शामिल किए हुए था, यानी इंक्लूडेड भी सही है, स्पैंड भी सही है, बेहतर स्पैंड होगा, इंक्लूडेड भी सही है, स्पैंड भी सही है, लेकिन ऐसी स्थिति में स्पैंड बेहतर आंसर होगा, इंक्लूडेड को हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इट डैश टू मी दैट हर हस्बैंड वॉज इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, अ डिजीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, हिंदी में कहते हैं लाइलाज, इनक्यूरेबल, जिसका इलाज संभव ना हो, जिसका इलाज ना हो सके वह इनक्यूरेबल होता है। इट डैश टू मी दैट, मुझे मालूम चला कि, मुझे ज्ञात हुआ कि उसका हस्बैंड इनक्यूरेबल है। हैपन घटित हुआ, अकर घटित हुआ, सजेस्टेड सलाह दिया, फ्लैश, अब फ्लैश में क्या होता है, आप आंखें बंद करते हैं कुछ फीलिंग आ जाती है, उसके लिए फ्लैश का यूज करते हैं। अब ये फ्लैश तो आप समझ ही रहे हैं, जो मोबाइल वाला आप जो यूज करते हैं फोटो खींचने में, वो फ्लैश एक चमक, वो आप जानते हैं। अब यहां होगा क्या, हैपेंड के बाद टू नहीं लगता है, सजेस्टेड के बाद टू लगता है, फ्लैश के बाद टू नहीं लगता है, यानी ए और डी नहीं होगा। सजेस्टेड टू जब होगा तो आगे हर हस्बैंड के बाद वाज नहीं सुड आएगा, सुड यानी ये भी नहीं होगा, आंसर होगा बी, और आप सीख लें याद कर लें अकर टू, मालूम पड़ना। अकर टू का अर्थ दिमाग में आना भी होता है, ये बात मेरे दिमाग में आई, इट अकर्ड टू मी, द मैटर अकर्ड टू मी, तो आंसर अकर्ड होगा, अकर के साथ टू लगता है, फोर का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द है रेसिस्टेंट, बताना है सिनोनिम, शब्द है रेसिस्टेंट, रेसिस्ट वर्ब का यह एडजेक्टिव है, रेसिस्ट मीन्स होता है प्रतिरोध करना, विरोध करना, तो रेसिस्टेंट मीन्स होगा प्रतिरोधी, रेसिस्टेंट मीन्स होगा प्रतिरोधी, प्रतिरोध करने वाला, अपोजिंग प्रतिरोधी, ओबीडियंट आज्ञाकारी, सबमिसिव दब्बू जो अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त ना करे, डर के मारे बहुत ज्यादा झुका हुआ, वो भी सबमिसिव होता है, विलिंग इच्छुक। अच्छा विलिंग का आप लोग एंटोनिम बता दें, विलिंग का आप सभी जल्दी से कमेंट करके एंटोनिम लिख दें, तो रेसिस्ट से बनता है रेसिस्टेंट, इसलिए आंसर होगा अपोजिंग। अब मैंने पूछा आपसे कि विलिंग का आप एंटोनिम बताएं, तो विलिंग का एंटोनिम होता है रिलक्टेंट, और अनविलिंग, ये दोनों ऑप्शन में ना हो तब इन एडवर्टेंट। 5 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द है ग्रैस्प, और इसके लिए चार ऑप्शन है, इग्नोर है, मिसअंडरस्टैंड है, रिलीज है और क्लिंच है। ग्रैस्प मीन्स होता है पकड़ में लेना, ग्रैस्प मीन्स होता है समझना, ग्रेस्प समझना और ग्रेस्प पकड़ना, समझना के अर्थ में इसका सिनोनिम अंडरस्टैंड हो जाता है
पकड़ना के अर्थ में इसका सिनोनिम क्लच हो जाता है, क्लिंच हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, होल्ड हो जाता है। तो अलग अलग अर्थ में अलग अलग सिनोनिम होगा। समझना के अर्थ में आप अंडरस्टैंड लिखें, ग्रैस्प लिखें, पकड़ना क्लच क्लिंच कैप्चर और होल्ड। इग्नोर, इग्नोर का अब हिंदी अर्थ इसका कहां लिखूं? इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना। इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, महटिया देना। इसका सिनोनिम नेगलेक्ट होता है, मिसअंडरस्टैंड, गलत तरीके से समझ लेना, जिसे हम गलत फहमी होना कहते हैं। गलत फहमी होना, रिलीज, मुक्त करना। रिलीज का सिनोनिम डिस्चार्ज होता है, क्लिंच, पकड़ना। तो ग्रास्प का सिनोनिम क्लिंच होगा, यानी सिक्स का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर सेवन, शब्द है इटर्नल, ए में एंडिंग, बी में एजलेस, सी में ब्रीफ और डी में टेम्पररी। इटर्नल जिसका कोई अंत न हो, जिसके ना आदि का पता हो न अंत का पता हो, उसे हम एटर्नल कहते हैं। एटर्नल अनंत कहा जाता है हिंदी में। गॉड के लिए यूज होने वाला यह शब्द है, ईश्वर के लिए न आदि का पता न अंत का पता, उसे कहते हैं एटर्नल। Eternal means अनंत, Eternal means अनादि, जिसके आदि और अंत का पता न हो, जो प्रकृति के प्रारंभ से प्रकृति के अंत तक बना रहे, उसे भी हम Eternal कहेंगे। Ending यानी अंत करने वाला, जिसका अंत हो जाए, तो Eternal का एंटनिम होगा Ending, एंटनिम होगा। एजलेस, एजलेस हाँ, इसका अर्थ होता है अनंत, एजलेस। ब्रीफ, छोटा, छोटी सी अवधि, ब्रीफ। टेम्पररी, अस्थाई। एजलेस यानी जो आयु से मुक्त हो, एजलेस होगा, तो वो इटर्नल हो जाएगा। तो सेवन का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर एट, डिपोर्ट, आपको बताना है अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड। यहां क्या बताना था भाई? सिमिलर, हाँ ठीक है, अपोजिट वर्ड, डिपोर्ट, डिपोर्ट, देश से निकाल देना, देश निकाला देना। काला पानी की सजा, देश निकाला, डिपोर्ट, एग्जाइल, देश निकाला देना, यानी देश से निकाल देना। ज्यादा अच्छा तो यही लग रहा है, देश से, ये थोड़ा कोर्ट में यूज होता है, सजा वगैरह हमें, देश निकाला। डिसमिस, खारिज करना, सेवा समाप्त करना, डिसमिस। परमिट, अनुमति देना। ट्रांसपोर्ट, भेजना, ट्रांसपोर्ट, भेजना। तो डिपोर्ट का सिनोनिम होगा एग्जाइल, पूछा गया है एंटोनिम, तो डिसमिस होगा, नहीं परमिट होगा, क्योंकि परमिट में हम अनुमति दे देते हैं, डिपोर्ट में हम निकाल देते हैं देश से। तो एट का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, शब्द है
प्रोफाउंड 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 मीन्स होता है गंभीर, प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा, इग्नोरेंट अज्ञानी, इग्नोरेंट डीप गहरा, हेवी भारी, और लर्नेड विद्वान। लर्नेड का जल्दी से आप कमेंट करके साइनो बता दें। तो प्रोफाउंड गंभीर, डीप इसका साइनो होगा। बताना है एंटो, एक भी एग्जैक्ट एंटो नहीं है, एक भी एंटो एग्जैक्ट मायने में नहीं है। प्रोफाउंड का एंटो होता है शैलो, शैलो। इसका एंटो होता है सुपरफिशियल, शैलो होता है, सुपरफिशियल होता है, लेकिन यहां एक भी नहीं है एंटो। इग्नोरेंट अज्ञानी यानी जिसमें कोई ज्ञान न हो, डीप गहरा साइनो, हे भी भारी, लर्नेड विद्वान। कैसा कैसा प्रश्न सेट किया जाता है। लर्नेड का सिनोनिम इरुडाइट होता है, स्कॉलरली होता है, स्कॉलरली होता है, इरुडाइट होता है, लर्नेड विद्वान। एक भी आंसर सेलेक्ट करने लायक नहीं है, आप याद कर लें, शैलो या सुपरफिशियल होगा। छोड़ दें इस प्रश्न को, खैर इतनी चीजें आप इससे सीखे ना, आगे बढ़िए। हाँ, इग्नोरेंट के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन पूछा जाता है, इग्नोरेंट के बाद ऑफ लगता है। आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ ऑल द फैक्ट्स, सभी फैक्ट से मैं अनभिज्ञ था, अनजान था। फिबल का अपोजिट वर्ड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई एम सॉरी, यहां पूछा गया है अपोजिट वर्ड। ही हैज प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही हैज डीप नॉलेज ऑफ इंग्लिश, शैलो और सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं सही था। आगे, फिबल, फिबल मीन्स होता है कमजोर, वीक मीन्स कमजोर, फिबल मीन्स कमजोर, इमेसिएटेड दुर्बल कमजोर, वीक कमजोर, फिबल कमजोर। ओ हाउ फिबल इज मैंस पावर, दैट इफ फॉर्चून फॉल कैन नॉट एट अनदर आर। कमेंट करके बताइए तो कहां से ये लाइन मैं बोल रहा हूं। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, दैट इफ फॉर गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आर। कॉमेंट करके बताएं ये लाइन मैं कहां से बोल दिया। इग्नोरेंट अज्ञानी, डीप गहरा, इफेक्टिव प्रभावशाली, और जेंटिल सुशील। तो फिबल कमजोर और इफेक्टिव प्रभावशाली, ये होगा एंटोनिम फिबल का। ऐसे इसका सिंपल एंटोनिम स्ट्रॉन्ग होता है, रोब्यूस्ट होता है, स्टर्डी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज। शाब्दिक अर्थ लिखूं तो फूलों की सेज यानी आनंद,
का समय। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन आसान नहीं है। अ बेड ऑफ रोजेस का अर्थ आसान भी होता है, जिसमें कोई कठिनाई ना आए उसे बेड ऑफ रोजेज कहते हैं। ए प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व होगा ही नहीं। टू टेक पार्ट, ज्वा बेस्ड ऑन फॉल्स होप्स, अ प्लेजेंट सिचुएशन, जी हाँ आनंद का समय, प्लेजेंट सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल। संपूर्ण ताकत से पूर्णतः फ्री एंड फ्रैंक विद ऑल योर एनर्जी टू बी एन एक्सपर्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन पारस्परिक सहयोग, म्यूचुअल कोऑपरेशन पारस्परिक सहयोग। तो आंसर 12 का बी होगा। 13, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, इंप्रूव करिए। क्वेश्चन है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट के पहले ए ठीक है, क्योंकि यहां एक के अर्थ में यह यूज हो रहा है। नॉर्मली नाउन के बाद ऑफ हो तो द लगाते हैं, लेकिन यहां ये ठीक है, गलत नहीं है। अब आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है कि नेम ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के नाम के पहले द न लगाएं, चाहे वो कितना बड़ा कितना छोटा क्यों ना हो। तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले यह द हटेगा, यानी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा और आंसर हो जाएगा बी। 14 को इंप्रूव करें। क्वेश्चन है, आई विश ही वॉज हियर, काश वह यहां होता। तो आई विश, ओ दैट, वुड दैट, इफ एज दो के बाद वर का यूज होता है, इसलिए 14 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, वह स्ट्रीम वह झरना नदी जो अनदर बिग रिवर में जाकर गिरे उसे क्या कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ट्रिब्यूटरी मीन्स होता है सहायक नदी। आप जियोग्राफी में ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, जैसे गंगा में कई नदियां आके विलीन हो जाती हैं, तो जिन जिन नदियों का गंगा में समावेश हो जाता है वे गंगा की ट्रिब्यूटरीज कही जाती हैं। पेनिनसुला पिछले सेट में भी आया था, प्रायद्वीप, स्ट्रेट, जल डमरू मध्य पिछले सेट में भी आया था, जल डमरू मध्य, ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू सीज, हर्मिट साधु। आप कमेंट करके बताएं हर्मिट के रहने के स्थान को क्या कहते हैं, द प्लेस वेयर हर्मिट्स लीव उसे क्या बोलेंगे आप वन वर्ड में, कमेंट करके बताइए। स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी, यानी 15 का आंसर होगा ए, और हर्मिट के रहने के जगह को जहां हर्मिट्स रहते हैं उसे हम हर्मिटेज कहते हैं, हर्मिटेज मीन्स आश्रम, साधुओं के रहने का स्थल हर्मिटेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वन वर्ड है, दैट विच कैन बी इजिली बिलीव्ड, जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके, ए में एश्योरेंस, बी में क्रेडिबल, सी में ऑब्वियस और डी में ऑनररी। एश्योरेंस का अर्थ होता है आश्वासन, यह क्या है कमेंट करके बताएं, क्या है मींस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्रेडिबल
विश्वसनीय, ऑब्वियस, स्पष्ट, ऑनररी, ऑनररी अवैतनिक, बिना वेतन के। इसका अर्थ एक और होता है ससम्मान, ऑनररी का। दैट विच कैन बी इजिली, तो आंसर होगा आपका सी। और एश्योरेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने शब्दों के अंत में ए एन सी ई ई एन सी ई हो वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, बाकी ये तीनों एजेक्टिव हैं। 17 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, कमेंट करें आप लोग। शब्द है एकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई होता है। एकोमोडेट का आंसर डी होगा, अर्थ होता है समायोजित करना। एकोमोडेट यानी एडजस्ट कर लेना, समायोजित कर लेना। 18 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, शब्द है बुलेटिन, बी यू डबल एल ई टी आई एन होगा। बुलेटिन का सिनोनिम न्यूज होता है, समाचार होता है, तो 18 का बी होगा। 19 को अरेंज किया जाए, क्वेश्चन नंबर 19 अरेंज करें। एक लॉजिक थोड़ा हेल्प कर सकता है, एज फार एज यानी क्यू के बाद पी का पेयर होगा, ए में है पेयर, बी में वह पेयर नहीं है, सी में वह पेयर नहीं है, डी में है। एक ट्रिक लगाने से दो ऑप्शन तो गायब हो ही जाते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन, सब्जेक्ट है वर्ब चाहिए, स्टिल डोमिनेट्स, आज भी गांव की जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या हावी है, डोमिनेट करती है यानी हावी है किसके ऊपर, अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर यानी शहरी जनसंख्या के ऊपर। एज फार एज द नंबर इज कंसिडर्ड, जहां तक संख्या की बात है, तो आर क्यू पी अगर संख्यात्मक तुलना करें तो गांव में संख्या अधिक होती है, शहर में कम, यहां कहा जा रहा है। आर क्यू पी, आर क्यू पी डी में है। क्वेश्चन नंबर 20, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दूं, टैलेंट सर्च टेस्ट आप सभी अवश्य दें, हर संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट होता है जिसके बारे में यहां आप नीचे देख रहे हैं। हर संडे को ऐप पर टैलेंट सर्च टेस्ट होता है, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे टेलीग्राम पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे अन्य सोशल साइट्स पर, उनको मैं सूचना दे देता हूं, आप यह टैलेंट सर्च टेस्ट अवश्य दें, बहुत ही उपयोगी टेस्ट होता है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल, वर्ब्स, वॉइस, नरेशन, कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इन्हीं सभी से क्वेश्चंस, मिसस्पेल्ड, इन्हीं सभी से क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि हर एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होंगे, तो आप जरूर टेस्ट दें। कम ही लोग टेस्ट देते हैं, जितने लोग लाइव जुड़ते हैं टेस्ट के लिस्ट में उनका नाम तो नहीं मिलता है मुझे, कम लोगों का मिलता है, जरूर टेस्ट दें आप, फ्री टेस्ट है, बस ऐप डाउनलोड करना है। पीडीएफ इसका जो आपको मिलता है ऐप पर ही मिलता है, यानी आप डाउनलोड किए ही होंगे, तो टेस्ट देने में क्या है, 12 घंटा टेस्ट ओपन रहता है, टेस्ट जरूर दें। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं, टेलीग्राम पर रोज क्विज होता है, प्रत्येक दिन क्विज होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम सब पर प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। टेलीग्राम पर भी जुड़ें और रोज आप वोकैब का प्रैक्टिस करें। वी कैन एनहांस डेवलपमेंट, हम विकास को बढ़ा सकते हैं, कैसे, बाय इंप्रूविंग, इंप्रूव करके, क्या, किसको इंप्रूव करके, द अपॉर्चुनिटी टू डिवेलप देमसेल्व्स, अब देमसेल्व्स आने के पहले, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है,
यह ऐसे ही नहीं आ जाता है, इसके लिए पहले सब्जेक्ट को लाना पड़ता है, इसलिए वो नहीं होगा। तो बाय इंप्रूविंग विमेन पावर, बाय गिविंग विमेन द अपॉर्चुनिटी टू डिवेलप देमसेल्व्स, औरतों को खुद को विकसित करने का अवसर दे करके हम विकास को बढ़ा सकते हैं। तो क्रम होगा QPR, QPR आंसर सी। 21 से 25 क्लोज टेस्ट आपके सामने। पहला क्वेश्चन, इन द पास्ट अ वुमन्स जॉब वॉज टू स्टे एट होम, पास्ट में भूतकाल में किसी औरत का काम घर पर रहना होता था, डैश केयर ऑफ एल्डरली पीपल, घर रह करके जो उम्रदराज लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनका देखभाल करना उनका काम होता था। तो इन द पास्ट अ वुमन्स जॉब वॉज टू स्टे एट होम डैश केयर ऑफ, तो ये तो गड़बड़ है, यहां पर सब भीवन दिख रहा है, आंसर ए होगा, लेकिन यहां टेक नहीं, टेकिंग चाहिए, क्योंकि आप यहां कह रहे हैं कि उम्रदराज लोगों, वृद्ध लोगों का केयर करना, करना तो आप बोलेंगे ना खेलना एक व्यायाम है, तो आप कहेंगे प्ले इज एन एक्सरसाइज, जी नहीं, आप या तो टू प्ले कहें या आप प्लेइंग कहें, एक यह तरीका। दूसरा, आप चाहें तो इन्फिनिटिव का यूज यहां आप देख रहे हैं, और इसके बाद आप एंड लगा लेते तब हो जाता ये टेक, क्योंकि ग्रामर हमें सिखाता है कि यदि एंड के पहले फुल इन्फिनिटिव हो तो एंड के बाद बेयर इन्फिनिटिव होगा, तो यहां पर मिस्टेक है, एंड चाहिए ही चाहिए, और अगर एंड नहीं है तो टेकिंग देना पड़ेगा, दोनों में कोई एक करना पड़ेगा यहां। खैर, आंसर ए हम मान लेते हैं। Now, many of them dash to choose to work, so they do not have time to take care of the elderly. अब elderly के बाद यहाँ people चाहिए। अब उनमें से अब समय बदला है, अधिकांश औरतें अब काम करना choose करती हैं। अब जब वो काम करती हैं तो उनके पास समय नहीं रहता है कि वे उम्रदराज लोग, वृद्ध लोगों की देखभाल कर सके। एल्डरली पीपल का तो नाउ मेनी ऑफ देम डैश टू चूज एस्पेंड मेंड टेंड ट्रेंड। एस्पेंड का दो अर्थ होता है, एक खर्च करना और दूसरा समय बिताना। तो चूज करने में समय क्या बिताना है, इसलिए नहीं होगा। मेंड सुधारना, मरम्मत करना, सुधारना या मरम्मत करना। टेंड प्रवृत्ति होना, आदत होना, और ट्रेंड प्रचलन। वर्ब तो यह है ही नहीं, और यहां वर्ब ही चाहिए क्योंकि मेनी ऑफ देम सब्जेक्ट है, वर्ब चाहिए। टू चूज टू वर्क तो टेंड होगा, टेंड। अब अधिकांश औरतों की यह प्रवृत्ति हो रही है कि वे काम करना पसंद करती हैं और उन्हें एल्डरली लोगों के देखभाल का समय नहीं रह जाता। इन एडिशन, इसके अलावे, इन एडिशन मीन्स होता है अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन, अपार्ट फ्रॉम, मोर ओवर, बिसाइड्स, ये इन एडिशन का मैंने सिनोनिम बोला। इन एडिशन डैश होम्स प्रोवाइड केयर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ एल्डरली पीपल। अब हुआ क्या, औरतों को घर में समय नहीं है तो कुछ ऐसे होम्स बने जो ऐसे वृद्ध लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं। कैसे होम होंगे ये, 23 में केयर प्रोवाइड करने वाले, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, रिटेल और होलसेल। भाई होम्स है तो वो तो रेसिडेंशियल ही ना है। बेहतर आंसर कमर्शियल होगा, क्योंकि
जब होम्स हम दे रहे हैं तो फिर अब कमर्शियल रेसिडेंशियल की क्या जरूरत कि रेसिडेंशियल होम। होम वही होता है ना जहां हम रहते हैं, तो आवासीय घर, आवासीय विद्यालय होता है, रेसिडेंशियल होम नहीं होता। इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा रेसिडेंशियल को, आंसर कमर्शियल होम होगा। जैसे मैं जॉब में हूं, व्यस्त हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अपने घर के वृद्ध को ले जाकर के किसी ऐसे घर में रख दिया जहां उसकी देखभाल की जा सके। कौन करेगा? पैसा लेके करेगा, तो कमर्शियल हुआ, इसलिए आंसर ए होगा। अब रिटेल और होलसेल की यहां क्या बात है, आंसर 23 का ए होगा। 24, दिस इज ए डैश सर्विस, यह जो सर्विस होती है वो डैश होती है, एंड नर्सेज आर ट्रेन टू टेक केयर ऑफ डैश। अब देख रहे हैं ना, वहां नर्सेज भी मिलती हैं जो ट्रेंड होती हैं उनके देखभाल के लिए। तो यह होम कैसा होगा? नहीं, सर्विस कैसा होगा? तो प्रोफेशनल होगा, और जब प्रोफेशनल होगा तो कमर्शियल होगा, इसलिए कमर्शियल सही है। प्रोफेशनल सर्विस वो प्रदान करते हैं। लेथार्जिक का कई बार साइन वो बता चुका हूं, आप कमेंट कर सकते हैं। 25, लेथार्जिक का स्लगिश होता है, लेजी होता है, आइडिल होता है। 25, वे नर्सेज जो वहां होती हैं उन होम्स में, वो ट्रेंड होती हैं इन लोगों का केयर करने के लिए। तो कैसे लोग, किनकी चर्चा की गई है? एल्डरली पीपल की चर्चा की गई है। एल्डरली पीपल इनमें से क्या होंगे? यंग थोड़े ही होंगे, सीनियर सिटीजन्स। और यंग वंश का अर्थ होता है बच्चे, यंग वंश मतलब युवा मत समझ जाइएगा, यंग वंश का अर्थ होता है बच्चे। कई परीक्षाओं में पूछता है यंग वंश ऑफ एनिमल्स, तो जानवरों के बच्चे लिखना होता है। इन्फेंट्स मतलब नवजात बच्चे, और टॉडलर्स उन्हें कहते हैं जो अभी खड़ा नहीं हो पा रहे हैं लेकिन चलते हैं जमीन पर, या उन गाड़ियों में चलते हैं जो गाड़ियां बनाई जाती हैं चलने के लिए, उन्हें टॉडलर्स कहते हैं। तो 25 का आंसर ए होगा, और इस तरह से सेट 11 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।